हॉस्पिटल भितरे लागी थाए लोकंकर घर ये निजर परिवार लोकंक चिकित्सा करिया पय हॉस्पिटल आसी थाए तो आउ के सुस्थ ही निज परिवार लोकंक सहित घर को फेर थाए ता संग को थरक थर एम्बुलेंस रे से साइरन मन भितर जेमिति चमक आउ ता संग को लोकंकर से जंत्रणा भरा चित्कार सुनी आखिरु पानी मध्य आसी थाए ठीक सेतिक बेले आखि सामना को चली आसतिला एमिति एक क्याबिन ताकू देखिबा परे से जगार पाद जेमिति अटकी जायतिला से माने किए ताको परिचय कोन आ हॉस्पिटल लई केबिन भितरे समान अवस्था रे एते जण रही कोन भा करछन्थि ए सब प्रश्नर उत्तर पाइबा पई सेमानक पाख को जाई तांको सहित किछि कथा हबा को मन होला किंतु किछि समय रे से कथाबार्ता भितरे तांको पाख को जाईथिबा से उत्तर सब सुनी आखिरु लुह झरि आसतिला के निजर परिवार लोकंकु छाड़ी ए जगह को दौड़ी आसीच तो आउ कहार परिवार थाई मध्य से एठार असहाय अवस्था रे पड़ी रही समस्त परी से भी दिने निजर चिकित्सा पाई ए हॉस्पिटल को आसीथिले किंतु परे ए हॉस्पिटल ही ताको पाई सहारा साजी जाई हाँ आज्ञा आमे कहूँ से ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज रो पीएमआर कोठार कथा यही हॉस्पिटल चतुर्थ कोठारे खोली डेस्टिट्यूट वार्ड किंतु यह कौन रोग नुहे बर जो रोगी मैंने बेसहारा साजिंता खोल जा जो थे बर्तमान बार जन वृद्ध वृद्धा रोचन आमर अधिकांश संपूर्ण सुस्थ हो सारी भी परिवार लोक से नेबाकु राजी होना स्थित मेडिकल ही पलटि एम सा भरसा हाँ आज्ञा स्वाधीनता संग्रामी झी बनजावती पट्टनायक एवं एमकेसीजी मेडिकल जीवन युद्ध में संघर्ष कर 1987 रे जने सरकारी कर्मचारी को बाहा बेले परवर्ती समय रे विवाद हला एमिती कि तांको स्वामी तांको निया लगाई पोड़ी देले या परे तांको के ग्रहण न करिवारु विभिन्न स्थान को बुलिबा पई लागिले आउ एक दुर्घटना रे शिकार होई 7 मास पूर्वरु एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज रे चिकित्सित हेबा पई भर्ती हेले किंतु चिकित्सित होई सामान्य सुस्थ होतबा बेले तांको के नवा पई नथिबा जोगु से सेहिटारे ही रहिछ बनजावती पी त्रिनाथ पंडाकर भी सामान अवस्था ब्रह्मपुर फास्ट गेट्रे कम करुवा बेले दुर्घटना घटला मालिक आनी मेडिकाल भर्ती करते बर्तमान चिकित्सित अवस्था थी बेले कई ना बनजावती त्रिनाथ भि ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल कलेज चिकित्सित होती बार जन वृद्ध वृद्धा ଘର ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲର ପିଏମ୍ଆର୍ କୋଠାରେ ଚତୁର୍ଥ କୋଠାରେ ନିରାଶ୍ର ୱାର୍ଡରେ ରଖାଯାଇଛି କାହାର ପରିବାର ଲୋକେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ ପୁଣି କାହାର ପରିବାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମେଡିକାଲର ନର୍ସ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମହିଳାମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେମିତି ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମେଡିକାଲରେ ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି ସତ ହେଲେ ଏବେ ବି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରଣ ହେବ ତାହାର କୌଣସି ହିସାବ ମିଳିପାରୁନି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏ1 ଓଡ଼ିଆ।